आज की मेरी वीडियो वालदैन के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। इसमें मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे सीरियस इशू की तरफ दिलवाने वाला हूँ जिसकी तरफ वालदैन ध्यान नहीं करते और उसकी वजह से उनके बच्चे की सेहत के लिए फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा सीरियस मसाइल हो सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को गौर से देखें तो आप असेस करेंगे कि आपके बच्चे का जो पोस्चर है, जो आपके बच्चे का अपने जिस्म को संभालने का जो तरीकाकार है, वो इंतहाई गलत है। बच्चे का फॉरवर्ड हेड कैरी जो होता है, बच्चे की गर्दन काफ़ी ज़्यादा आगे होती है, जो कि एक आइडियल पोस्चर होना चाहिए, आपके बच्चे का वो पोस्चर नहीं होता। वालदैन इस चीज़ को नॉर्मल लेते हैं कि ये तो नॉर्मल सी बात है, पोस्चर ख़राब होना कौन सा बीमारी है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर स्टडी करें, अगर आप इसके ऊपर रिसर्च पढ़ें, तो आप देखेंगे कि ये बच्चे के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सबसे पहले तो जो हमारी गर्दन का खम होता है, आप अगर गर्दन को देखें, कुदरती तौर पे इसके अंदर एक खम अल्लाह ने रखा होता है जिसको कहते हैं सी शेप कर्व। अगर आप साइड से देखेंगे तो गर्दन के अंदर सी शेप कर्व होता है, हमारा कान कंधे के ऊपर होता है, सी बना होता है। इसको कहते हैं आर्क ऑफ लाइफ। नॉर्मल पोजीशन में जब बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, इधर मैं आपको जरा वीडियो दिखा रहा हूँ, अगर आप ये देखें, ये पेशेंट आज मेरे पास आया तो उसका बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। अगर आप इसका पोजीशन देखें तो किस तरह ये झुका हुआ है, ये इंतहाई नुकसानदेह है और ये नॉर्मल पोजीशन है। आम बच्चा इस तरह अपनी गर्दन को झुका कर रखता है और वालदैन इस पर बोधर ही नहीं करते कि तो नॉर्मल मसला है। ये बच्चे के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ये जो गर्दन का कर्व है कुदरती, इसको आर्क ऑफ लाइफ कहते हैं। इसके अंदर होता यह है, जैसे ही रिवर्स होता है, गर्दन का खम आगे की तरफ जाता है, तो हमारी जो स्पाइनल कोड है वो 5 से 7 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो जाती है। और ये जो 5 से 7 सेंटीमीटर का स्ट्रेच है, ये पैथोलॉजिकल टेंशन पैदा करता है और हमारे बच्चे को बीमारियों की तरफ लेकर जाता है और उसका इम्यून सिस्टम वीक करता है। उसके बाद जो आपके बच्चे का खराब पोस्चर है, ये ऑर्गन्स में डिजीज पैदा करता है, इम्यून सिस्टम को वीक करता है, मसल्स में अकड़ाव पैदा करता है और जो दर्द की सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाता है। अगर तो आपके बच्चे की गर्दन का खम आगे है, आगे को वो झुका के रखता है, मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, पबजी खेलता है, मोबाइल पे वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता है, तो आपको तो ये नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन रिसर्च के मुताबिक आपके बच्चे को इस वजह से 30% ऑक्सीजन कम मिलती है। ज़रा आप खुद ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, नॉर्मल पोस्चर में खड़े हों, गर्दन सीधी रख के गहरा सांस लें, आपके फेफड़े मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं, 100% कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने पोस्चर को ऐसे करते हैं, मोबाइल पकड़ा हुआ बच्चे ने, गर्दन आगे, अब आप जरा सांस लेके देखें, इससे आपके फेफड़े सिर्फ और सिर्फ 70% की कैपेसिटी से काम करें, मतलब 30% रिडक्शन हो रही है आपके फेफड़ों की कैपेसिटी में। मतलब आपके जो बच्चा है उसके दिमाग को जो ऑक्सीजन पहुँचती है, जो प्रॉपर पोस्चर के साथ पहुँचनी थी, वो 30% कम पहुँच रही है, जिसकी वजह से उसके लिए मेटाबॉलिक इश्यूज हो सकते हैं, उसके लिए मेमोरीज के इश्यूज हो सकते हैं और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा पैथोलॉजीज का उसको सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ मैं एक रेफरेंस नीचे कोट कर रहा हूँ जिसके मुताबिक, अगर तो आपके बच्चे का पोस्चर फॉल्टी है, उसका पोस्चर ख़राब है, उसकी गर्दन का खम नहीं ठीक, उसकी स्पाइन का खम नहीं ठीक, तो उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी के 14 साल कम हो जाते हैं, उसका मोर्टेलिटी रेट यानी कि मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन यहाँ ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आपका प्रॉपर मसल्स के काम ना करने की वजह से, आपकी जो इम्यून सिस्टम है वीक होने की वजह से, आपके मरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए पोस्चर के ख़राब होने को हल्का मत लें, आप अपने बच्चे की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उसके पोस्चर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो अब ये बात होगी कि पोस्चर का ख़राब होना कितना नुकसानदेह, अब हम पोस्चर को ठीक कैसे करें। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करके वो देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं किस तरह सिंपल एक्टिविटी करवा के आप अपने बच्चे को घर में रह के इजीली उसके पोस्चर को ठीक कर सकते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपके बच्चे के जैसे पोस्चर में चेंजिंग आएगी, उसकी हेल्थ में चेंजिंग आएगी और बच्चा कुछ ही दिनों में रिकवरी की तरफ चल जाएगा, उसके माइंड की कैपेसिटी बेहतर होगी, उसके मसल्स में बेहतरी आएगी, उसके ग्रोथ के इश्यूज नहीं होंगे, ग्रोथ उसकी बेहतरीन होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा नाम है सलमान फिरोज़, अस्सलाम वालेकुम।